पेरिस सीरीज में ये दूसरा लेक्चर। इस लेक्चर में हम क्योटो के बारे में पढ़ेंगे। क्योटो के अलावा 2013 में जो वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म आया था उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम जानकारी लेंगे आरईडीएस की। क्योटो क्योटो यूनिफ्रिकल्सी कन्वेंशन के तहत है। क्योटो एक प्रोटोकॉल है जिसमें ग्रीन हाउसेस गैसेस जो हैं उनके उत्सर्जन को कम करने की बात की गई है और वो ही कंट्री क्योटो के मेंबर हो सकते हैं जो यूनिवर्सिटी के मेंबर हैं। और यह क्योटो में यह कहा गया है कि 1990 में जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन था और उसका हमें कम से कम 5.5% तक कम करना है 2012 तक। इसलिए कहा गया क्योंकि क्योटो में केवल प्रथम बाध्यता वर्ष 2008 से 12 की बात की गई थी और उसके बाद 2013 से द्वितीय बाध्यता वर्ष लागू होना था परंतु वह लागू नहीं हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल में एक बात और ध्यान में रखने की बात है कि यह अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है वो और जहाजों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है वो उनको संज्ञान में नहीं लेता है। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हाल ही में अंतरिक्ष उड़ानियों के लिए भी एक ट्रीटी आई है जिसमें कोर्सिया नाम का प्रिंसिपल रखा गया है और शिपिंग के लिए सदस्य देशों ने अभी इसके लिए कोई बाध्यता नहीं बनाई है। तो आपको ये याद रखना है पीटी के लिए कि क्योटो इंटरनेशनल एविएशन और शिपिंग से होने वाले उत्सर्जन को शामिल नहीं करता है। क्योटो क्योटो में कई तरह के फंड्स भी हैं। क्योटो में कई तरह के बेसिक स्ट्रक्चर की बात के लिए कुछ कुछ हम बातें जो पीटी के लिए है यूजफुल वो जान लेते हैं क्योटो के बारे में। क्योटो को यूएस ने रेटिफाई नहीं किया है जबकि कनाडा ने इसको रेटिफाई किया था परंतु 2012 में अनाउंस किया है कि वो इससे क्विट कर रहा है। और क्योटो का जो प्रथम बाध्यता वर्ष है वो है 2008 से 12। और क्योटो के जो पूर्णतः रूल्स जो फाइनलाइज हुए थे वो 2001 में हुए थे मराकेश में जिसे मोरक्को अकॉर्ड भी बोलते हैं। और इस मोरक्को अकॉर्ड में हमारा एक अडेप्टेशन फंड भी बना है। हम एक नया पीपीटी नए लेक्चर में देखेंगे वेरियस फंड जो हैं क्लाइमेट से रिलेटेड उनके बारे में। इसके अलावा क्योटो का जो द्वितीय बाध्यता वर्ष है 2013 से 20 परंतु ये लागू नहीं हुआ है क्योंकि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जो सदस्य देश हैं उन्होंने इसको अनुमोदित नहीं किया है। क्योटो में एक फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म है और क्योटो में क्योंकि सीबीडीआर का प्रिंसिपल है इसलिए देशों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसी में देशों को अनेक्स वन और नॉन अनेक्स कंट्रीज से जाना गया है और अनेक्स कंट्रीज को पूर्णतः अनेक्स कंट्रीज जो है इनको पूर्ण अगेन अनेक्स वन और अनेक्स टू दो भागों में बांटा गया है। अनेक्स में विकसित देश हैं और नॉन अनेक्स में विकासशील देश हैं। अनेक्स वन के अनेक्स वन में वो देश हैं जिनको अपना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करना है। इसमें ओईसीडी के सदस्य देश हैं, ओईसीडी विकासशील देशों का एक समूह है और इसमें ओईसीडी के वो सदस्य हैं जो 1992 में इसके मेंबर थे। और इसके साथ साथ इसमें इकोनॉमी इन ट्रांजिशन के जो देश हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अनेक्स टू में अनेक्स वन के ही सदस्य हैं, अनेक्स टू में अनेक्स वन के वो सदस्य हैं जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस वित्तीय सहायता प्रोवाइड करेंगे विकासशील देशों को क्योटो को सक्सेसफुल बनाने में। इसलिए अनेक्स टू अनेक्स वन का एक सब ग्रुप है। अगर हम एक डायग्राम ड्रॉ करें तो अंदर वाला जो पार्ट है वो अनेक्स टू का होगा, बाहर वाला अनेक्स वन का होगा। नॉन अनेक्स में मुख्यतः विकासशील देश हैं जिन पर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने की कोई बाध्यता नहीं है और इसी में 49 देशों को इस क्योटो के तहत लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज माना गया है। इसके अलावा इसमें अनेक्स ए है, अनेक्स बी है। अनेक्स ए के अंदर 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनके नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, पर फ्लोरोकार्बन PFC एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसके अलावा अनेक्स बी, अनेक्स वन में बस इतना लिखा गया है कि अनेक्स
वन देशों को अपना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करना है, परंतु वो कितना कम करना है, क्या उसका लेवल होना चाहिए, कितने प्रतिशत उसको कम करना है, ये अनेक्स वन में नहीं लिखा हुआ है। ये सारी बातें अनेक्स वन में लिखी, अनेक्स बी में लिखी गई है, जिसमें इसमें 39 कंट्रीज है विद देयर रिस्पेक्टिव एमिशन टारगेट्स, जो उनको उत्सर्जन को कम करने की समय सीमा दी गई है वो इसमें लिखी गई है। इसके अलावा क्योटो को इंप्लीमेंट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म है क्योटो में, ताकि अगर सदस्य देशों को जो टारगेट दिया गया है अगर वो मीट नहीं कर पाए तो वो इन मैकेनिज्म, इन तंत्रों के द्वारा उसको पूर्ण कर सकते हैं। ये तंत्र दो भागों में बांटे गए हैं, पहला है प्रोजेक्ट बेस्ड और दूसरा है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ एमिशन बेस्ड। जैसे अभी हाल ही में हमने पढ़ा अनेक्स बी, अनेक्स बी देशों, अनेक्स बी में वो देशों का जो उत्सर्जन है कितना कम करना है वो दिया गया है। जैसे मान लीजिए यूएसए है, यूएसए का उत्सर्जन 1990s में 100 बिलियन टन CO2 था, तो उसको ये टारगेट दिया गया कि वो 10% अपना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करेगा, तो मतलब अब वो 90 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम कर सकता है। ये 90 बिलियन टन को पूर्ण अगेन एक इकाई के रूप में बांटा गया, उन इकाइयों को बोला गया है असाइंड अमाउंट यूनिट्स AAU, कि वो देश कितना अपना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर सकता है। और यह देश अगर अपना जो टारगेट है उससे अबव अगर उत्सर्जन करता है तो किसी अन्य देश से जिसने अपना AAU कम उपयोग में लिया है उससे खरीद सकता है। इसके लिए एक व्यापारिक तंत्र विकसित किया गया है जिसका नाम दिया गया है इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। इसमें जो एक्सेस AAU है, असाइंड अमाउंट यूनिट्स है, उनका व्यापार होगा। इसलिए ये इसको क्वांटिटेटिव बेस्ड, बिकॉज ये क्वांटिटेटिव मात्रात्मक जो प्रतिबंध है उसके आधार पर है, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ एमिशन का नाम दिया गया है। दूसरा है प्रोजेक्ट बेस्ड। प्रोजेक्ट बेस्ड मीन्स आप प्रोजेक्ट लगाकर अपने टारगेट को पूर्ण करोगे। इसी में दो पार्ट बांटे गए हैं, एक है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, एक है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि हमें पता है कि क्योटो के तहत केवल विकास विकसित देशों को ये टारगेट दिया गया है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कितना कम करेंगे, इसलिए कोई अन्य विकसित देश अपना टारगेट पूर्ण करने के लिए किसी अन्य विकसित देश में हरित ऊर्जा के प्रोजेक्ट लगा सकता है और वहां से जिसको कार्बन क्रेडिट मिलेंगे उनका सेलिंग करके या उनकी आपूर्ति करके अपने टारगेट को पूरा करेगा, और इसे जॉइंट इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म नाम दिया गया है। और जो इसमें इकाई ट्रेड होगी उसका नाम दिया गया है एमिशन रिडक्शन यूनिट। इसी तरह विकसित और विकासशील में जो प्रोजेक्ट बेस्ड लगेंगे उनको क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का नाम दिया गया है, और इसमें जो इकाई जो ट्रेड होगी जिसका व्यापार होगा उसको बोला गया है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, प्रमाणित उत्सर्जन कटौती। इन तीनों का यूज करते हुए कोई भी देश क्योटो के तहत अपना टारगेट पूर्ण कर सकता है। ये क्वेश्चन था जो यूपीएससी ने पूछा था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, जिसमें क्योटो में जो अनेक्स वन है और जो क्योटो के अंदर टर्म यूज हुई है उसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। इसमें आपको मिलान करना है, जैसे अनेक्स वन कार्टेजिना के तहत नहीं बल्कि क्योटो के तहत है, परमाणु उत्सर्जन इकाइयां क्योटो के तहत है, स्वच्छ विकास प्रक्रिया निधि क्योटो के तहत है। आंसर होगा केवल तीन सी। इसके बाद हमने क्योटो का पूरा मैकेनिज्म पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि क्योटो 2001 में क्योटो के रूल्स आए हैं, 2005 में के बाद इसको लागू होना चालू हुआ है, 2008 से 12 इसका प्रथम बाध्यता वर्ष था, और 2012 में ही दोहरा राउंड आया था जिसमें 2013 से 20 तक द्वितीय बाध्यता वर्ष की बात की गई थी, परंतु वो कार्यान्वित नहीं हुआ है। उसके बाद 2013 में भी इंपॉर्टेंट समिट हुई है UNFCCC के तहत, जिसे वार्सा समिट कहते हैं। इस वार्सा समिट में एक तंत्र विकसित किया गया जिसका नाम है वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज, हानि और नुकसान के लिए वार्सा अंतरराष्ट्रीय तंत्र। इसमें जो देश क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा नुकसान झेलेंगे, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पानी का स्तर बढ़ेगा समुद्र का उसकी वजह से डूब जाएंगे, उनको कैसे हम क्षतिपूर्ति करें उसके लिए तंत्र विकसित किया गया है। ये आया था 2013 में, परंतु यह पेरिस में, इसको पेरिस के तहत ला दिया गया, और मराकेश में भी यह न्यूज में था क्योंकि इसके लिए यह 5 वर्षीय कार्यनीति बनी है। इसका पहला रिव्यू पेरिस में हुआ था, और पेरिस मतलब 2015, और नेक्स्ट रिव्यू जो होगा
2019 तक होगा। तो आपको याद रखना है WIM क्या है, वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज। इसी वार्सा समिट में REDD+ रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन प्लस का फाइनल मसौदा आया था, जिसे बोलते हैं वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने प्लस। यहां आपको ये याद रखना है REDD का ढांचा 2007 में ही विकसित हो गया था, परंतु REDD+ का फाइनल मसौदा वार्सा समिट में आया है। REDD का मतलब है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण जो हो रहा है उसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। और आपको यह भी पता होगा कि वन जिसमें पेड़ पौधे रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का सेक्वेस्ट्रेशन करते हैं, मतलब उनको अपने यहाँ डिपोजिट करते हैं, परंतु जब आप वनों की कटाई करते हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। उसी के लिए REDD+ और REDD का तंत्र विकसित किया गया था, परंतु REDD इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया, इसके लिए REDD+ का तंत्र लाया गया है। देखिए, विकास विकसित देशों में हो चुका है, जबकि अब विकास विकासशील देशों में होना है। तो अगर विकासशील देश विकास करेंगे तो उन वो वनों को भी काटेंगे, वनों को जब अगर काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। तो इसके लिए विकसित देश विकासशील देशों को यह तंत्र प्रोवाइड करेंगे कि वो अपना विकास तो करें परंतु उसके साथ साथ फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएं। इसके लिए वो फाइनेंशियल मैकेनिज्म डेवलप किया गया है। तो जो यहाँ REDD में जो प्लस का मतलब है वो डिफॉरेस्टेशन जो होगा वो डिफॉरेस्टेशन वो कम करें, कम करने के साथ साथ वो उनका मैनेजमेंट उनका प्रबंधन भी सतत करें। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिक्वेस्ट्रेशन या जो जमाव पेड़ पौधे कर रहे हैं उसके लिए जो कार्बन स्टॉक है उसको बढ़ाएं, उसको बढ़ाएं मतलब वनों का विस्तार ज्यादा से ज्यादा करें। इसके अलावा प्लस में फॉरेस्ट कंजर्वेशन की भी बात की गई है, वनों का ज्यादा से ज्यादा संरक्षण हो। अब REDD+ में क्योंकि फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है ताकि विकासशील देश अपने यहाँ फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करें और इसके लिए वित्तीय सहायता आएगी, परंतु सरकार के लिए अकेले ये संभव नहीं है कि वो वनों का अकेले संरक्षण कर पाए। इसके लिए वो कम्युनिटी की हेल्प लेगी, अगर वो कम्युनिटी की हेल्प लेगी तो कम्युनिटी को पैसा उपलब्ध करवाएगी, अगर वो कम्युनिटी को पैसा उपलब्ध करवाएगी तो कम्युनिटी का खुद का स्तर बढ़ेगा, अगर कम्युनिटी का खुद का स्तर बढ़ेगा तो वहां पॉवर्टी रिडक्शन होगा। और यही क्वेश्चन UPSC ने 2016 के पेपर में भी पूछा है। इसके अलावा इस REDD+ को इंप्लीमेंट करने के लिए एक फंड सेटअप किया गया जिसका नाम है फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। अगर आपको याद होगा तो UPSC ने 2014 में इस पर क्वेश्चन पूछा है, 2013 में REDD+ न्यूज में था, परंतु UPSC ने REDD+ पे क्वेश्चन नहीं पूछा है बल्कि फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी पे पूछा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और फंड है जिसका नाम है फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। यह फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक का एक क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, उसके तहत एक फंड है। यह फंडिंग सारी जो है हम एक साथ पढ़ेंगे, तब तक धन्यवाद। इसके बाद अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेरिस में क्या हुआ है, मराकेश में क्या हुआ है, और उसके बाद हम सारे जितने भी फंड हैं जो अभी हमने देखे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।